शतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै शांति शांति शांति। हो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का दशम सर्ग आज पढ़ेंगे हम। नौ सर्ग तक पढ़ा था और ये अरण्य कांड ऐसा हो गया कि इससे बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। इसमें कहीं कहीं खो जाते हैं कई कई दिन के लिए बीच में। तो नौवें सर्ग में हमने पढ़ा था श्री राम लक्ष्मण अगस्त जी से भेंट करते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं और उनसे आध्यात्मिक चर्चा सुनने के बाद सीता माता के मन में आता है कि जब हमें तपस्वियों की तरह से ही, क्योंकि महर्षि अगस्त बहुत बड़े ऋषि हैं उस समय के, बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो उनको लगता है कि फिर ये सब धनुष बाण आदि सब साथ क्यों रखते हैं श्री राम, हम तपस्या ही करें, तपोधन सबसे बड़ा धन है। तो उनका संवाद चलता है, सीता माता उनको बताती हैं श्री राम जी को और श्री राम उनका उत्तर देते हैं। उनको ऋषियों की हड्डियों का जो ढेर है, जो पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी भी उसको अपने उसमें कोट कर रहे थे कथा के दौरान, ये हमने भी यहाँ पढ़ा, तो उनको दिखाते हैं कि देखो ये हड्डियों के ढेर देखो। और फिर सब जो ऋषि मुनि इनके पास आई और इन्होंने सहायता के लिए निवेदन किया, तो श्री राम उनको ये प्रॉमिस भी करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके कष्ट को दूर करेंगे। तो उस कारण से भी अपने धनुष को धारण करने का औचित्य श्री राम उनको बताते हैं सीता मैया को। और इस तरह से बातचीत करते हुए ये लोग पंचवटी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पंचवटी जाने के लिए ही कहा था, अगस्त ऋषि ने कहा था। उन्होंने जब अगस्त ऋषि से पूछा कि कोई ऐसा स्थान बताइए जिससे कि हम अपने बचे हुए वनवास के जो समय है, अवधि है, दिन है, उनको शांतिपूर्वक हम कहीं रह करके तपस्या भी कर सकें और उनको बिता सकें, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो इन्होंने बताया था पंचवटी, कि यहाँ से बहुत सुंदर स्थान है, दो योजन की दूरी बताई थी इन्होंने। इतो द्वि योजने तात बहु मूल फलोदकः देशो बहुमृग श्रीमान पंचवट्यभिविश्रुतः। नौवें सर्ग के 33वें श्लोक में बताया था कि वहाँ बहुत सारे फल हैं, मूल हैं, जल भी पास में है, तो आवास के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। खाने के लिए फल मूल मिल जाए, पीने के लिए जल मिल जाए, रहने के लिए एक रमणीय स्थान हो, वहाँ अच्छे अच्छे पुष्प आदि खिले हों, तो ये ऐसा ही स्थान है। और पंचवटी का मतलब है कि पांच पांच वट का झुंड वहाँ लगा होगा उस वन में, पहले लगाते थे लोग कभी, अभी आजकल दो लगाते हैं। जो कुछ धार्मिक लोग हैं तो कहते हैं एक पीपल एक वट, दो का जोड़ा लगाना, ऐसे पुण्य मिलता है ऐसे। तो पहले कभी ऐसे पांच का रहा होगा प्रचलन, तो ये पंचवटी में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पंचवटी का पढ़ते हैं आगे।
अथ पंचवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृध्रं भीमापराक्रमं तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणौ को भवानिति स तौ मधुरया वाच सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। तो पंचवटी में जब ये पहुंचे, जब जा ही रहे थे, गच्छन् अनंतर रघुनंदनः आससाद महाकायं गृध्रम्। तो जब वो जा रहे हैं पंचवटी की ओर, पंचवटी में पहुंच ही गए मतलब और आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ जाते हुए पंचवटी में जाके भी कोई सुंदर स्थान ढूंढ रहे हैं कि कहाँ अपनी कुटिया बनाएं। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए श्री राम ने ये महाकायम विशाल काय और भीमा पराक्रमम, और जिनका पराक्रम भी बहुत विशाल है, तो ऐसे महापराक्रमी और विशाल काय गृध्रम आससाद, ऐसे उन्होंने गृध को देखा, जटायु को देखा। तम दृष्ट्वा तौ महाभागो वनस्थम राम लक्ष्मणो, तो जब उन्होंने जटायु को देखा तो मेनाते राक्षसम पक्षिम, उनको लगा कि ये भी कोई जटायु, क्योंकि ये महाकाय हैं और बहुत पराक्रमी हैं। तो राक्षसम पक्षिम मेनाते, इन्होंने उसको भी ऐसे सोचा कि ये कोई राक्षस हैं। ब्रुवाणो को भवान इति, तो दोनों उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो यहाँ रामायण में इनके ऊपर ना टिप्पणी की है इन्होंने, ये तो अगले श्लोक के को लेकर के की है, जब उन्होंने अपना परिचय दिया। स तौ मधुरया वाचा, उस गृधराज ने तौ राम लक्ष्मण से मधुरया वाचा सौम्यया प्रेणयन इव, अत्यंत मधुर शब्दों में प्रेणयन इव, मानो उनको अपनी वाणी से बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि इनको देख करके जटायु की बहुत सालों की तपस्या ही जैसे सिद्ध हो गई हो, ऐसे उवाच उन्होंने कहा, वत्सम वत्स हे वत्स माम वयस्यम आत्मनः पितु विद्धि, आप मुझे आत्मनः पितु अपने पिताजी के वयस्यम विद्धि मित्र समझो, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। माने उन्होंने राम लक्ष्मण को पहचान लिया, राम लक्ष्मण ने उनको नहीं पहचाना, पहले मिले नहीं होंगे कभी। तो जब उन्होंने पिता का मित्र ऐसे कहा, तो इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी की है नीचे हिंदी में। जटायु के संबंध में लोगों को बहुत भ्रांति है, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि जटायु एक गिद्ध पक्षी था, परंतु यह बात सर्वथा असत्य है। जटायु अपने आप को वयस्यम पितुरात्मनः ऐसे कह रहे हैं, दशरथ का मित्र बता रहे हैं। इतना ही नहीं, जटायु के लिए आदि कवि ने आर्य शब्द का प्रयोग भी किया है। जब रावण सीता को हरकर ले जा रहा था तो सीता जटायु को देखकर कहती हैं, जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमानम अनाथवत, ये आगे आएगा, हे आर्य जटायु देखो ये राक्षस मुझे अनाथ की भांति उठाकर ले जा रहा है। तो आर्य विशेषण से भी ये बात सिद्ध होती है कि जटायु पक्षी नहीं था। प्रश्न हो सकता है कि रामायण में उन्हें कहीं कहीं पक्षी कहा गया है, तो इसका क्या कारण है? स्पष्ट रूप से ही पक्षी का है, इसी सर्ग में भी आगे आएगा पक्षी। प्रश्न हो सकता है, इस शंका का समाधान है कि तांडे ब्राह्मण से इस शंका का समाधान हो जाता है। वहाँ क्या कहा है? ये वही विद्वांस ते पक्षिण, ये अविद्वांस ते अपक्षा। जो विद्वान है वो तो कोई पक्ष वाले होते हैं, ते पक्षिण ये अविद्वांस है, और जो अविद्वान है वो अपक्षा, उनका कोई पक्ष नहीं होता है। जैसे न्याय दर्शन में चलता है ना, एक पक्ष एक विपक्ष, तो वहाँ पर तीन प्रकार के संवाद बताए हैं, वाद जल्प वितंडा। तो वाद में तो पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्षी और प्रतिपक्षी दोनों सत्य का अन्वेषण करने के लिए संवाद करते हैं कि भाई हम एक सत्य पर पहुँच जाएं, और जल्प में अपने पक्ष को जिताने के लिए संवाद करते हैं।
कि मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए। इसका मतलब पक्ष दोनों का है, एक सामने वाले का पक्ष है, एक इसका पक्ष है, पर इसकी नियत क्या है। मेरा पक्ष चाहे सत्य से युक्त हो चाहे असत्य से युक्त हो, पर मैं विजयी होना चाहूँ, मेरा ही पक्ष जीतना चाहिए। तो इसको वहाँ पर कहा है जल्प। और तीसरा है वहाँ पर वितंडा, बातचीत करने का साधन। वितंडा में उसका कोई पक्ष नहीं होता है बात काटने वाले का। जैसे उससे कोई पूछे कि ठीक है भाई, जब वो काट रहा है हमारी बात, आप बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल असत्य है, बोल ठीक है हम तो असत्य हैं, हम गलत हैं, आप बताओ आपका क्या पक्ष है। बोल नहीं मेरा कोई पक्ष नहीं है, पर आप गलत हैं। ऐसे तो रोज देखते हैं ना हम। जल्प और वितंडा ज्यादातर व्यवहार में आता है, बहुत रेयर कभी मिलता है कि भाई कोई एक स्वस्थ संवाद करते हैं बैठ करके, वरना तो सामान्य बातचीत से लेकर के व्यवस्थाओं से संबंधित बातचीत तक या अन्य भी किसी भी प्रतिपक्ष को लेकर के व्यक्ति या तो जल्प करता है या तो वितंडा करता है। जल्प तो होता ही होता है ज़्यादा, कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, मम सत्यम। निघंटु में आता है ना ये युद्ध नाम में, युद्ध के बहुत सारे जो नाम हैं उनमें एक आता है मम सत्यम, मैं ही सत्य हूँ या मेरी बात ही सत्य है, ये युद्ध है, तो इसलिए युद्ध नाम में पड़ा है निघंटुकार ने। और हम सब का ऐसा ही प्रयोजन होता है कि हम जो सोचते हैं वो ठीक है, हम जो बोलते हैं वही ठीक है, और इसीलिए फिर सारा वैमनस्य और झगड़े यहाँ से शुरू होते हैं। और तीसरा तो और ज़्यादा खतरनाक वितंडा, अपना पक्ष ही नहीं है। मतलब जो लोग सर्वोच्च न्यायालय में बैठ करके आयुर्वेद के बारे में जजमेंट दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं आयुर्वेद क्या होता है, कभी पढ़ा भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा कभी। तो जो जिस विषय के बारे में जानता नहीं है वो निर्णय कैसे दे सकता है। निर्णय तो हो रहा है। ऐसे हम सामान्य बातचीत में भी देखते हैं, एक व्यक्ति को सन्यास के बारे में कुछ नहीं पता है कि सन्यास होता क्या है, वो सन्यास को लेकर के टीका टिप्पणियां करता है, सन्यास लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेके इन्होंने अच्छा किया बुरा किया, वो एक लंबे भाषण देता है, भाई आपको तो पता ही नहीं सन्यास का, ना आपके कुल खानदान में किसी ने लिया ना आपने लिया, आपको क्या पता। तो जिस व्यक्ति का अपना कोई पक्ष नहीं है, उसको उस विषय में कोई नॉलेज ही नहीं है। अब ईश्वर है कि नहीं है, अब इस बात को लेकर के कितने डिबेट होती है, और कौन करते हैं, जिनको ईश्वर के बारे में कोई अनुभूति नहीं है, यहाँ तक कि जिन्होंने ईश्वर से संबंधित प्रामाणिक ग्रंथों को भी नहीं पढ़ा है, ऋषियों का मत भी जिनको नहीं पता है, वो उसके बारे में डिबेट करते हैं। तो उस सारी चर्चा को क्या कहा जाएगा, वितंडा। तो यहाँ पर पक्षी का मतलब है जिसका अपना कोई पक्ष होता है। तो जिसने कम से कम आर्ष ग्रंथों को पढ़ा है तो वो पक्ष और प्रतिपक्ष को तो जानता है, कम से कम उसका अपना एक मत होता है, भाई हमने रामायण पढ़ी है, हमने योग दर्शन पढ़ा है, न्याय दर्शन पढ़ा है, वेद पढ़ा है, दर्शन उपनिषद पढ़ा है, और वहाँ उन ऋषियों ने जो बताया है उसकी दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आधार बनाते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सारी सृष्टि किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, मनुष्य के वश की बात नहीं है ये। इन सब मनुष्यों को जो अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, कोई सुखी है कोई दुखी है, इससे पता लगता है कि कोई तो न्याय करने वाला है। पर ये बात कौन कह पाएगा जिसने इन ग्रंथों को पढ़ा है, तो उसका अपना एक पक्ष हो गया। जिसने कभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं किसी से, और कोई साधना भी नहीं की, तो उसको यहाँ पर अविद्वान कहा है तांडे ब्राह्मण में। तो ऐसे जो अविद्वान होते हैं, अविवेकी होते हैं, उनका अपना कोई पक्ष नहीं होता। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर जटायु को पक्षी कहा है। पक्षी का मतलब क्या हुआ, विद्वान, पक्ष वाला वही होगा जो विद्वान होगा। जो विद्वान होते हैं वो पक्षी,
और जो अविद्वान या मूर्ख होते हैं वे पक्ष रहित। जटायु ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया था और वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए संलग्न होकर वानप्रस्थियों का सजीवन बिता रहे थे, अतः उन्हें पक्षी कहना उचित ही है। ज्ञान और कर्म उनके दो पक्ष थे। पक्ष मतलब पंख भी होता है, पक्ष का मतलब पंख भी होता है और पक्ष का मतलब अपना मत भी होता है। तो इनके दो पंख, पंख से उड़ान भरता है ना पक्षी आकाश में, तो मनुष्य के पास कौन से पंख हैं जिससे वो उड़ान भरता है? ज्ञान और कर्म। ये पहले भी आया था, गीता में भी आया है ये। तो इनके पास भी दो पंख हैं, ज्ञान और कर्म। पहले अपने शास्त्रों से, अपने गुरुजनों से, ऋषियों महर्षियों से तीन तत्वों के बारे में ज्ञान अर्जित करना, ईश्वर जीव और प्रकृति के बारे में, क्योंकि तीन ही तत्व शाश्वत हैं, तो तीन के बारे में ज्ञान अर्जित करना और फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना, जीना, सत्याचरण करना। तो ये दो पंख ऐसे हैं जिससे व्यक्ति उड़ान भर सकता है। पहले किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तत्व के बारे में, पहले उसको ज्ञान होना चाहिए, थ्योरी का पता होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल, तो फिर वो उड़ान भर सकता है। तो इनके पास ज्ञान और कर्म, ये दो पक्ष थे जिनसे उड़कर वे परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे। वानप्रस्थियों की भांति उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ाई हुई थी, तो इसलिए उनको जटायु कहते थे। तो क्या ये विशेषण आकाश में उड़ने वाले पक्षी की वाणी में घट सकते हैं? कभी नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, पहले जैसे उनका भी हमने पढ़ा था, जिनको नौका पार कराने के लिए निषाद राज, तो वो भी एक राजा थे, जबकि कहा क्या जाता है कि वो नाव चलाने वाले थे। तो रामायण में उसका खंडन किया गया है, वो नाविक, नाव चलाने वाले नहीं थे, केवट नहीं थे, बल्कि एक उनका छोटा सा राज्य था, इनके अधीन था, क्योंकि श्री राम के पिता जो हैं दशरथ जी, वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन छोटे छोटे रजवाड़े ये तो अभी तक भी थे, 100 साल पहले तक भी। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो जटायु जी ने क्या बताया, हम आपके पिता के मित्र हैं। सतम पितृ सखम बुद्ध्वा पूजयामास राघवः, सतस्य कुलम अव्यग्रमथ प्रपच्छ नाम च, रामस्य वचनं श्रुत्वा स्वकुलं जन्म चात्मनः, आचचक्षे द्विजश्रेष्ठो यथावत् परिपृच्छतः, जटायुरिति मां विद्धि शेने पुत्रं मरिन्दम, सोऽहं वाससहास्यते भविष्यामि यदिच्छसि, इदं दुर्गं हि कांतारं मृगा राक्षस सेवितं, सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे, जटायुषं तं प्रतिपूज्य राघवो सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा, जगाम तां पञ्चवटिं स लक्ष्मणो रिपून् दिधक्षन् शलभानिवानल। तो जब उन्होंने कहा हम आपके पिता के मित्र हैं, तो श्री राम ने तम पितृ सखम बुद्ध्वा, अपने पिता के मित्र हैं ऐसा जान करके, राघवः पूजयामास, राघव ने उनकी पूजा की। तो ये गीता में भी उपदेश मिलता है, रामायण में भी मिलता है, और इसको गीता में तो इसको क्या कहा है, शारीरिक तप कहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। तो इनका पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, तो ये क्या हैं, द्विज हैं, प्राज्ञ हैं, क्योंकि विद्वान भी तो है ना,
प्रज्ञावान हैं, तो इनकी पूजा करना ये शास्त्र सम्मत है। तो राघव ने अपने पिता के मित्र जान करके, पिता तुल्य ही उनको जान करके, द्विज जान करके उनका पूजन किया। सतस्य कुलम अव्यथाग्रम अथ पप्रच्छ नामच। तो फिर उनके कुल का और उनका स्वयं का, श्री राम ने पिता का मित्र जान के पहले तो उनका सत्कार किया, सतस्य कुलम, और फिर उनके कुल के बारे में पूछा। कुलम अव्यग्रम अथ पप्रच्छ, उनके कुल का नाम के बारे में पूछा और उनके कुल के बारे में भी, आप अपने थोड़ा कुल के बारे में बताइए, आपसे पहले आपके पिता कौन थे, दादा कौन थे। तो जैसे श्री दशरथ जी का कुल बहुत यशस्वी है और ये यदि उनके मित्र हैं तो निश्चित रूप से इनका कुल भी यशस्वी ही रहा ही होगा, क्योंकि मित्रता सामान्य रूप से समान गुण वालों में ही होती है। कुलीन कुलीन के साथ मित्रता करना चाहते हैं, कुलहीन कुलहीन के साथ मित्रता करना चाहते हैं, सात्विक सात्विक लोगों के साथ, राजसिक राजसिक के साथ, तामसिक तामसिक के साथ, चोर चोरों के साथ। तो ज़्यादातर मित्रता समान गुण कर्म स्वभाव वालों में ही होती है। तो मित्रता से भी व्यक्ति जाना जाता है, पहचाना जाता है भी इसकी मैत्री किसके साथ है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना हो ना कि भाई ये व्यक्ति कैसा होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो बोले आप ये बताओ कि किन लोगों के साथ उठता बैठता है, इसकी मित्र मंडली कौन है। जैसे किसी विद्यार्थी के बारे में, किसी बच्चे के बारे में पता करना हो, इसके बारे में जानना है, कुछ रहस्य पता नहीं चल पा रहा है, तो बोले ये देखो कि इसकी मित्रता किसके साथ है, किन के साथ उठता बैठता है ये, तो उससे फिर सुराग मिल जाता है जिनके साथ रहता है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं। रामस्य वचनम श्रुत्वा स्वकुलम जन्म च आत्मना। तो राम ने जब ऐसे पूछा तो इन्होंने राम के वचन सुन करके, आत्मना जन्म स्वकुलम च, तो अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में, अपने कुल के बारे में, आचचक्षे द्विज श्रेष्ठ, उस द्विज श्रेष्ठ ने, द्विज को भी द्विज क्यों कहते हैं, दोबारा दूसरा जन्म जिसका हो गया, दूसरा जन्म किससे होता है, ज्ञान से विवेक से। तो इन्होंने यथावत परिपृच्छत, यथावत जो पूछा था श्री राम ने, तो उनके यथावत पूछे जाने पर यथावत ही उत्तर दे रहे हैं। इस पे भी नीचे इन्होंने टिप्पणी की है, इस श्लोक में जटायु को द्विज श्रेष्ठ कहा है, यह आग्रह कि द्विज तो पक्षी को भी कहते हैं, अतः जटायु पक्षी ही था, तो ये आग्रह ठीक नहीं है। लोक में गृध्र को तो निकृष्ट पक्षी माना गया, मुर्दों का मांस खाता है, अतः द्विज श्रेष्ठ विशेषण जटायु को पक्षी नहीं बल्कि श्रेष्ठ क्षत्रिय सिद्ध कर रहा है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, जिसका दोबारा जन्म हो गया, माने विवेक को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं का ही दोबारा जन्म होता है। जटायु राजा था तो वो क्षत्रिय श्रेष्ठ थे, तो इसलिए उनको यहाँ पर द्विज कहा है। तो श्री राम की बात सुन करके द्विज श्रेष्ठ जटायु ने अपना कुल, अपना जन्म, अपना नाम आदि उनको बताया। जटायु रीति माम विद्धि, आप जो अपने सामने जिसको खड़ा हुआ देख रहे हैं उसको तो जटायु जाने, माने मेरा नाम जटायु है। जटायु रीति माम विद्धि, शेनी पुत्रम अरिंदम, और शेनी का पुत्र हूँ मैं। सो हम वास वास सहायते, तो ऐसा मैं जटायु शेनी का पुत्र, ते वास सहाय, इस वनवास में आपकी सहायता करूँगा। सहायते भविष्यामि यदि इच्छसि, यदि आप चाहो तो मैं यहाँ रहते हुए आपकी सहायता करूँगा इस वन में। क्या सहायता करेंगे? इदम दुर्गम ही कांतारम मृग राक्षस सेवितम सीताम जताते रक्षिष्ये, तो
त्वयि याते सलक्ष्मणे। इदम कांतारम ही दुर्गम, ये वन बड़ा दुर्गम है, कठिनता से आगे बढ़ने योग्य। हम भी देख रहे हैं वैसे इसको, 6 महीने से इस वन में घुसे हुए हैं, बाहर आने का नाम नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इदम कांतारम ही दुर्गम, ये बड़ा कठिन वन है, ये संसार भी ऐसा ही दुर्गम वन है। एक बार संसार के चक्रव्यूह में जो फंसा, निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर कोई कोई निकल जाते हैं, योगी महर्षि। तो आप लोग भी योगारूढ़ तो हो तो गए, अब योगारूढ़ होके भी देखो बाहर कौन कौन निकल पाता है, और फिर दोबारा चक्री में कौन कौन घूमता रहता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है किसी के बारे में। कभी कभी विद्वान दिखने वाले रह जाते हैं, कभी कभी मूर्ख जैसे दिखने वाले, भोले भाले दिखने वाले निकल जाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये बड़ा दुर्गम है, ये पता नहीं कौन बाजी मारे। तो हो सकता है आप में से तो कुछ मुक्त हो जाएंगे, कुछ थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, कुछ बीच में रह जाएंगे। और भाई प्रमाद किया तो कुछ ये भी हो सकता है कि यहाँ आकर के भी जीवन में यात्रा आगे ना बढ़े। तो सभी संभावनाएं तो हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये जो वन है ये बड़ा दुर्गम है, इदम कांतारम दुर्गम ही। देखो तो स्वाध्याय की भी ना सच में ही, जैसे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी तो कह ही रहे थे, और ये हमने भी महसूस किया, सेवा, स्वाध्याय और सुमिरन, तीनों में से एक चीज भी कभी कट होती है ना, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। कुछ दिन के लिए व्यक्ति की ध्यान, उपासना, भजन पूजन छूट जाए, तो अपने आप ही जीवन में एक रुक्षता और सामान्य, एक जिसमें अत्यंत आनंद की स्थिति नहीं होती है, उस स्थिति में व्यक्ति ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। या स्वाध्याय छूट जाए या सेवा छूट जाए, जैसे कोई व्यक्ति कुछ दिन कुछ भी सेवा ना करे, अपने कमरे में बैठ करके कोई किताब पढ़ ले और सुमरिन भी कर ले, स्वाध्याय और सुमरिन तो हो गया, सेवा नहीं की कुछ भी, तो भी वो ऊंची स्थिति में नहीं रहेगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, सुमिरन भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है, और तीनों इंटरकनेक्ट हैं। सेवा होगी तभी सुमिरन और स्वाध्याय अच्छा होगा। सेवा का मतलब क्या है यहाँ पे? निस्वार्थ सेवा। सेवा भी कई प्रकार की होती, तीन प्रकार की होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो राजसिक तामसिक जो है उससे तो सुख नहीं मिलता है। राजसिक तामसिक वो होती है जिसमें सेवा करके व्यक्ति को अहंकार आता है कि हम इतने घंटे सेवा करते हैं, यहाँ तो कोई करता ही नहीं है, तो फिर ये राजसिक या तामसिक कोटि में जाएगी। और सात्विक सेवा क्या बताइए गीता में? ये मेरा कर्तव्य है ऐसे समझ के जब करते हैं, जैसे शरीर की भी तो सेवा करते ही है ना, तो उसका कभी अहंकार थोड़ी आता है मन में कि शरीर को रोज नहलाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो ये भी तो सेवा है शरीर की। पर ये हम क्या समझते हैं, हमारा कर्तव्य है, ये शरीर अपना है तो इसको खिलाना, नहलाना, साफ सफाई करना, ये क्या है? हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ही गुरुकुल हमारा है, ये घर हमारा है, ये समाज हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसके लिए जो कुछ करते हैं वो क्या है? हमारा कर्तव्य है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर बड़े छोटों की सेवा करते हैं तो ये बड़ों का कर्तव्य है सेवा करना, तो उसमें कौन सी अहंकार की बात? यदि छोटे बड़ों की सेवा करते हैं तो कर्तव्य है उनकी सेवा करना,